हर हर महादेव। देखिए बलिया उत्तर प्रदेश से राजकुमार चौबे जी हैं, इन्होंने प्रश्न किया है। गुरुदेव प्रणाम। रुद्राभिषेक करने के लिए घर में मलमास और श्रावण मास में शिववास देखना जरूरी है? शिवरात्रि तथा प्रदोष में भी शिववास देखना पड़ता है क्या? देखिए ये यूं पूछ रहे हैं कि ज्योतिष में एक मुहूर्त है, यानी कि शिव जी का अभी वास कहाँ है। शुभ स्थानों पर शिव वास जो गणित के द्वारा निकलता है, तो उन दिनों में तो रुद्राभिषेक शिव जी का पूजन करने का विधान है, और जिन दिनों में शिव वास नहीं सही बैठता है, वो कभी शमशान में है या कहीं और जगह पे है जहाँ वो व्यस्त हैं, तो उस दिन रुद्राभिषेक करने का मुहूर्त नहीं होता है। तो जैसे शिवरात्रि इत्यादि पर्व हैं, तो इनमें भी क्या शिववास देखना पड़ता है कि शिव जी का भी वास अनुकूल है या प्रतिकूल है, तभी अभिषेक करना चाहिए या कोई और विधान है? तो ये इनका प्रश्न है। प्रश्न तो अच्छा है, अभी शिवरात्रि है तो क्या इसमें भी हम शिववास को निकालें गणित के द्वारा, तभी अभिषेक कर सकते हैं या वैसे ही कर सकते हैं? तो देखिए शास्त्र में कुछ ऐसे समय बतलाए गए हैं कि जिन समयों पर आपको शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है, उन दिनों में रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं, चाहे शिववास अनुकूल हो या ना हो। देखिए वे दिन कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। श्रावणे अधिक मासे च आर्द्रायाश्च गते रवौ शिव बिंदु गते योगे शुक्ले च व्यतिपातके। कह रहे श्रावणे, पूरे श्रावण मास में शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अधिक मासे च, इस बार तो श्रावण ही अधिक मास है, श्रावण कोई भी अधिक मास हो तो अधिक मास में भी रुद्राभिषेक में। आर्द्रायाश्च गते रवौ, जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र पर हो, लगभग 12-14 दिन तक एक नक्षत्र पर सूर्य रहते हैं, आषाढ़ में इधर होते हैं आर्द्रा में, तो आर्द्रा नक्षत्र पर जब तक सूर्य रहे तब भी। और शिव भेन्दु गते योगे, है ना, शिव भे माने भी आर्द्रा होता है, शिव जी हैं स्वामी ऐसा भ माने नक्षत्र, तो उस नक्षत्र पर इंदु माने चंद्रमा हो, माने जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र हो उस दिन भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और योगे शुक्ले च व्यतिपात के, जिस दिन शुक्ल योग हो व्यतिपात योग हो उस दिन भी रुद्राभिषेक करते समय या शिव जी का पूजन करते समय शिववास की आवश्यकता नहीं है। हरा नंग हरिणांचा, ठीक है, हर माने भगवान शिव हैं जिन तिथियों के स्वामी हैं, हरा नंग हरिणांचा तिथिसु करणे चतुष्पते, माने चतुर्दशी और अष्टमी, चतुर्दशी के स्वामी भी भगवान शिव हैं और अष्टमी के भी स्वामी शिव हैं, तो उन दिनों में अष्टमी और चतुर्दशी में। और अनंग, अनंग माने होता है कामदेव, और वो है स्वामी त्रयोदशी का, तो त्रयोदशी के तिथि सा वन्निको गौरी गणेशो इर्गो रवि शिवो दुर्गांतको विश्वे हरि कामा शिव शशि, ये जो है तिथियों के स्वामी मूर्ख चिंतामणि में बतलाए गए हैं। तो उसके अनुसार तो त्रयोदशी तिथि में भी प्रदोष में, और द्वादशी हरिणा भगवान विष्णु जिसके स्वामी है ऐसे द्वादशी, तो अष्टमी चतुर्दशी द्वादशी और त्रयोदशी इन तिथियों में भी शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। और चतुष्पद करण में, जिस दिन चतुष्पद करण हो उस दिन भी। सोमवारे शुभे ब्राह्मे प्रदोषाख्ये विजित क्षणे, और सोमवार में भी शिव जी का विदेश किया जा सकता है, और प्रदोषाख्ये प्रदोष काल में, जिस दिन प्रदोष काल हो सायंकाल को, हर एक प्रदोषाख्य अभिजित क्षणे, और अभिजित नक्षत्र में अभिजित काल में।
शिवरात्रि आदि पर्वेशु, देख लीजिएगा शिवरात्रि इत्यादि पर्व माने मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि इत्यादि पर्वों के समय पर उत्सवेशु निमित्त के, यदि कोई उत्सव है दैविक या आपके लौकिक भी कोई उत्सव है, पुत्र जन्मोत्सव है, आपका जन्मोत्सव है, कोई ऐसा शुभ समय है जो उत्सव के अंग के रूप में आप कार्य करना चाहते हैं, निमित्त के कोई निमित्त है, कोई रुद्र याग इत्यादि आप कर रहे हैं तो उस दिन देख लिया, या कोई अनुष्ठान आपने प्रारंभ कर लिया और शुभ मुहूर्त में प्रारंभ कर लिया, अब रोज 11 दिन तक शिव जी का अभिषेक होगा तो रोज थोड़ी देखना है, प्रारंभ हो गया वो तो निमित्त हो गया, उसी के निमित्त चल रहा है। नित्य आराधन काले च शिववासम न चिंतये, और नित्य आराधन काल में कोई नित्य शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं, नित्य ही शिवोपासना कर रहे हैं, नित्य ही रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो शिववासम न चिंतये, इन स्थलों पर शिववास की चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, विचार करने की आवश्यकता नहीं है। माने कोई विशेष कोई आपको रुद्रयाग अभिषेक या ऐसे समय पर करना हो तो शिववास की जरूरत रहती है, अन्यथा शिववास की विशेष आवश्यकता नहीं है। कितने शुभ अवसर बतला दिए गए हैं, इन अवसरों पर आप बिना विचार किए ही भगवान शंकर की भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के आराधना कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। हर हर महादेव।